एक राज्य में एक राजा थे, उनके एक हाथी था। वह हाथी के ऊपर राजा के साथ सवार होकर विभिन्न युद्ध क्षेत्रों में जाते थे, और ये हाथी के कारण राजा ने भी बहुत सारे युद्धों में विजयी हुए थे। तो बहुत दिन के बाद यह हाथी का क्या बुढ़ापा हो गया, यानी बूढ़े में हो गया। लेकिन राजा ने क्या किया ना, वही हाथी को क्या के ना और युद्ध में नहीं लेकर उसको खाने पीने का जो बंदोबस्त किया है, और उनको युद्ध क्षेत्र में नहीं ले। तो कुछ दिनों के बाद हाथी पानी पीने के लिए तालाब के पास गया। जाते जाते तालाब के पास किनारे के पास उसका पैर फिसल गया, वो तालाब में गिर गया। जितनी कोशिश किया लेकिन वो तालाब से निकल नहीं पाया। तो उसके जो राजा के जो मंत्री, राजा के जो और जो सदस्य थे, राज्य कर्मचारी, उन्होंने भी कोशिश की लेकिन नहीं पाए। राजा ने जब सुना इसके बाद कि हाथी ने गिर गया है, उनके जो प्रिय हाथी था वो गिर गया, तो इसीलिए क्या किया ना, वो भी कोशिश की, तालाब के पास गए और कोशिश किए कि हाथी कैसे निकल पाया, वो तालाब निकल जाए वो तालाब से। इसीलिए मंत्री ने एक वे ढूंढा कि मंत्री ने क्या किया ना, राजा को पूछे कि आप मेरे को एक इजाज़त दो कि मैं कैसे तालाब के पास युद्ध में जो ड्रम बजता है उसको बजा सकता। तो राजा ने बिना सोच समझकर मंत्री को उसको बोल दिया, हाँ आप जाओ और युद्ध में जो ढोल बजता है उसको लेकर। तो मंत्री ने क्या किया, ढोल को जो सेवक के थे उनके पास उनको बोलना बोले कि आप बजाओ, युद्ध जैसा बनाओ, ये तालाब के किनारे युद्ध जैसा बनाओ, जैसे युद्ध में होता है साउंड वगैरह ये सब युद्ध जैसे बनता है, ऐसे ही तालाब के पास जो माहौल है उसको क्रिएट करो। और देखते देखते मंत्री ने और इनके जो साथी होते उन्होंने क्या किया, तालाब के पास क्या कहना है, युद्ध के युद्ध जैसा बनाए दो। तो कितने समय के बाद, या ज़्यादा समय नहीं लिया, तो हाथी ने क्या किया, खुद कोशिश करके ये तालाब से निकल गया। तो राजा ने सोचे लगे कि ये तालाब में ऐसा क्या है, या क्या ऐसे चीज़ था जो हाथी को हम लोग इतनी कोशिश करने के बाद भी तालाब से नहीं निकल पाए, लेकिन एक युद्ध के डाका यानी कि युद्ध के जो ड्रम बजा इसके में क्या है जो हाथी को तालाब से निकल पाने के लिए जो कोशिश की। तो मंत्री को पूछा राजा ने, तो मंत्री ने बोला, हे राजन, आप इस हाथी को सवार करके युद्ध पे जाते थे, इसीलिए इसके मन में जो कोशिश यानी कि उस यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस था, लेकिन जब उसके उसका टाइम निकल गया और आपने युद्ध के लिए नहीं लिए तो वो निराशा हो गया। जब मैंने ये तालाब के पास युद्ध का जो माहौल क्रिएट किया, इसीलिए उसको लगा कि और एक बार ये युद्ध के लिए जा सकता है, इसलिए उसके मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट। इसके बाद इसने खुद ही खुद कोशिश करके तालाब से निकल गया। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़रूरत है। आप चाहे जितने भी एग्जाम दो, आप जो भी जॉब करते हो, लेकिन आपको पहले सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि ये तीनों गुण अगर एक साथ मिल जाए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर ये बात अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।